सो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज हमारे साथ है सत्यजीत। यस सर। सत्यजीत कहाँ से हो आप? ओडिशा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से हो? ओके। भुवनेश्वर से देहरादून का सफर, वो भी मर्चेंट नेवी के लिए। पेरेंट्स को मनाना आसान था? पेरेंट्स को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था। उसके बाद जब भैया इसी फील्ड में इन्वॉल्व हुए, उसका बाद मेरे को पता चला। अच्छा, कोई रिलेटिव है ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में? तो वो किस रैंक में है अभी? होटल मैनेजमेंट करने के बाद अभी बारटेंडर है भाई। शिप में? शिप में। अरे वाह, अच्छा। फिर उसके बाद भैया बोले कि ये वाला फील्ड अच्छा है। मैं सोचा था उसके बाद जॉइन करूँगा, कंप्यूटर साइंस करूँगा। मैं सोचा कि भाई बोला कि तुम उसके बाद ये वाला फील्ड जॉइन करो, इस फील्ड में सारे सब कुछ डॉक्टर से आराम कर सब कुछ है, इजीली सब कुछ कर पाओगे। देन उसके बाद फील्ड में देन सर्च करा गूगल में, यूट्यूब में दिखा, उसके बाद तो सब जितनों से मैं बात करता हूँ सब यही बोलते हैं कि हमने सर्च किया, यूट्यूब में वीडियो देखा। तो और मेरा फिर अगला क्वेश्चन उनके लिए ये होता है कि यार यूट्यूब पे जो हम यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, क्योंकि लोगों को व्यूज चाहिए होते हैं, है ना, अपना सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। तो हम जो यूट्यूब पे बोलते हैं, तो जब आप एक्चुअली हमारे यहाँ अकेडमी में आते हैं, वो मिलता है कि उससे ज़्यादा मिलता है? तो मिलता है, ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पढ़ाई मामला में अच्छा है। जितना देते हैं मटेरियल वगैरह, इतना भी फोकस करता हूँ, फिर भी देखेंगे भगवान क्या करते हैं। फिर नहीं, अगर आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, चल रोगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। भगवान, ठीक है, मैं मानता हूँ कि लक है, लेकिन लक की डेफिनेशन क्या है? सही टाइम पे सही लोगों के साथ जुड़ना और सही टाइम पे सिलेक्शन लेके जाना, दैट इज व्हाट इज लक, है ना। मतलब अगर आप घूमते ही रहते, अगर आपके भैया नहीं बताते, तो आप तो अभी सीएस कर रहे होते, है ना। तो अगर अब आपने मर्चेंट नेवी एज अ करियर चूज किया, नाउ यू विल सी कि मैं किसी प्रोफेशन को नीचे डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एट एन अर्ली स्टेज आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, राइट? चाहिए भी होती है और फिर मिल भी जाती है, ठीक है। तो अब कितना टाइम हो गया जेएमडीआई अकेडमी में? हो गया लगभग 7-8 महीना। 7-8 महीना हो गया। तो जब आप पहले थे और जब आप अभी हो, तो क्या क्या डिफरेंसेस आए आप में? डिफरेंसेस मीन्स यहाँ से पढ़ाई मामला में तो अच्छा है, पढ़ाई एक में डिरेक्शन अच्छे डिरेक्शन मिल जाता है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हमको पता चल जाता है, इसके बाद क्या करना है, सब बारे में पता नहीं था वो सारे। तो एक्चुअली अगर हम पता नहीं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है, बट जब आप यहाँ आते हो तो हम आपके एकेडमिक्स के साथ साथ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, आपको कब अप्लाई करना है। इनफैक्ट अगर किसी के पास 4-5 सिलेक्शन होते हैं कंपनी के, तो वी लेट यू चूज द बेस्ट वन, राइट? ऐसा काफ़ी लोगों ने हमको वीडियो में बोला और वैसे भी हम करते हैं, राइट? तो एक एडवाइस जो आप देना चाहोगे, यार अकेडमी इम्प्रूव करो, कि जेएमडीआई को इम्प्रूव कहीं करना हो तो क्या बोलना चाहोगे? इम्प्रूव बारे में जेएमडीआई को अगर कहीं इम्प्रूव करना हो तो? जेएमडीआई इम्प्रूव बारे में तो बताऊँगा, यहाँ से तो पढ़ाई मामला ठीक है, यहाँ से आने के बाद फोकस करो पढ़ाई, जा यहाँ से मटेरियल दिया दे रहा है, यहाँ से जो डायरेक्शन दे रहे हैं सर वगैरह डायरेक्शन देते हैं, यहाँ से फोकस करो, कंसिस्टेंसी रहो, बात खत्म, यहाँ से बात खत्म, ठीक है। सिंपल एंड शॉर्ट, आओ हार्डवर्क करो, सिलेक्शन लो, चले जाओ, राइट? सो जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भुवनेश्वर से देख रहे हैं, जो अभी भी सेकेंड थाट है कि यार सी एस के साथ जाएँ या बीटेक करें, बीसीए करें, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, यहाँ से आओ, बीएससी के फर्स्ट सिलेक्शन लो, सिलेक्शन में तुलानी मेरी टाइम की है, जो इंस्टीट्यूट वगैरह है यहाँ से सिलेक्शन लो, उसके बाद जो अच्छा होगा, जो जो कंपनी होगा उनको सार बताएंगे कौन सा कंपनी अच्छा है, उसी डायरेक्शन में सार डायरेक्शन जाके तो अच्छा होगा, पर्टिकुलर कंपनी में जाके तो अच्छा होगा आपके लिए। ओके, सो पुनीत सर से मिले हो कभी? हाँ मिले हैं। तो वन ऑन वन मिले हो कि सेशंस में मिले हो? वन ऑन मिले। वन ऑन वन मिले हो? तो जब पहली बार मिले तो क्या कुछ पूछा उनसे? थोड़ा सा डर लगा, मैंने माहौल थोड़ा दूसरा, इंटरनेट में दिखा था एक चीज़ आने के बाद फिर दूसरा हो गया, थोड़ा अजीब सा लगा, फिर डर लगा अंदर से। उसका बाद जब 2-3 बार हो गया, सेशन वेशन हो गया, उसके बाद फ्री हो गया। तो कुछ पूछा था पहली बार जब मिले थे? हाँ, कन्फ्यूजन था मैं, उसके बाद क्या करना, तो एज हो गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन हो, उसके बाद सारा। तो उन्होंने आपका डाउट क्लियर किया आपसे मिलकर? हो गया। तो आप संतुष्ट हैं उनके आंसर से? सब आप मेहनत कर रहे हैं, यू विल गेट द सिलेक्शन इन द बेस्ट कंपनी। यस, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।